नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। जिला के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडीह रेलवे साइडिंग में बीती रात हुई फायरिंग की जांच को लेकर बोकारो एसपी चंदन झा घटनास्थल का मुआयना किए और बेरमो डीएसपी एवं कथारा जीएम से घटना के संबंध में जानकारी ली गई। एसपी ने कहा कि मामला हमारे लिए गंभीर है, प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया है, जांच के बाद मामला स्पष्ट हो जाएगा। एसपी ने कहा कि बेरमो के जारंगडीह में कोयले का कारोबार होता है, रेलवे साइडिंग है, यहाँ आर्थिक लाभ को लेकर भी घटना हो सकती है। कोयला कारोबार पर वर्चस्व को लेकर इनकी नजर रहती है, कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं बोकारो जिला के जरंडी साइडिंग पे कुछ अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने हवाई फायरिंग भी की और कुछ जो वहाँ गाड़ी खड़ी रखी हुई थी उस पर भी फायरिंग की गई। इसमें किसी भी व्यक्ति या कोई ऐसे प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इसमें जो जो लोग शामिल हैं, प्रथम दृष्टया यह एक आपराधिक संगठन का ही काम लगता है, लेकिन इस स्थिति में अभी मैं नहीं हूँ कि कन्फर्म बताऊँ, बट प्राइमा फेसी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। कुछ लोगों के नाम सामने आ भी रहे हैं, हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ वक्त भले ही लगेगा इसमें, लेकिन हम लोग एक एक जो सही लोग हैं, जो जेन्युइन इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी को हम लोग इसको पकड़ के कानूनी कार्रवाई करेंगे। जांच के दौरान कुछ स्पष्ट आ पाया केसर की कौन लोग? हाँ, नाम तो कुछ कल रात के बाद से अभी तक कुछ नाम सामने आया है, लेकिन चूँकि अभी कंफर्म कुछ नहीं है तो वो बताना प्रेस के सामने सही नहीं होगा, बट कुछ नाम आए हैं ऐसे संगठन का जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, नक्सली घटना है कि नहीं? प्रथम दृष्टया तो नहीं लगता है कि ऐसी कोई नक्सली घटना है ही, और बाकी हम लोग अभी जाँच कर रहे हैं, जाँच होने के बाद ही कन्फर्म बता पाएंगे। किन मकसद से सर घटना का अंजाम दिया गया? अब रेलवे साइडिंग है तो हो सकता है इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ही, जो एक आर्थिक जो है वही कारण प्रथम दृष्टया लग रहा है, और जो यहाँ बिजनेस होता है हो सकता है उसकी लेके कुछ उनका अपना इंटेंशन हो। अभी चूँकि रात में ही हुआ है और हम लोग अभी वर्क कर ही रहे हैं तो अभी कंफर्म तो नहीं पता, बट हो सकता है कि आर्थिक हो या डराने धमकाने के लिए गैंगवार हो सकता है। गैंगवार तो नहीं, चूँकि कोई दो पक्ष के बीच की बात नहीं है, और यहाँ ये हो सकता है यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए ऑप्शन खुले हुए हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पूर्व इस तरह की एक घटना सामने आई थी? इस जगह पे 18 में घटना आई थी सामने, जिसको हम लोगों ने स्टडी किया है, उसमें भी कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, शायद पूरी तरह नहीं हो पाई थी जो मुझे जानकारी है। अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, अब उसी से मिलता जुलता है या डिफरेंट है वो समय ही बता पाएगा। पोस्टरबाजी में सर NSEM का नाम? हाँ, एक संगठन का नाम आया है। अभी अब बहुत बार जरूरी नहीं है कि वही संगठन इन्वॉल्व हो, दूसरे का भी नाम दिया जाता है, अगर वो है तभी हम लोग काम कर रहे हैं, और दूसरा कोई है तभी हम लोग उसको वेरीफाई करा रहे हैं। उसमें सर पोस्टर में लिखा हुआ था कि अधिग्रहण किए गए लोगों को मुआवजा और किसानों को उसका हक दिया जाए। ठीक है, पुलिस उसी चीज़ पे काम करेगी जो पुलिस के डोमेन की चीज़ें हैं, और डोमेन की चीज़ यही है कि बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। स्पेशल टीम गठित हुआ है? बिल्कुल, मैं खुद इसी के लिए यहाँ पे आया हूँ, और टीम तो है ही SDPO बेरमो के नेतृत्व में, बट मैं पर्सनली ही लगा हुआ हूँ, और अतिशीघ्र आप लोग भी देखिएगा कि जो जेन्युइन इसमें इन्वॉल्व है उनका नाम सामने आएगा, और जो कठोर से कठोर